तो ये वाला पंखा हमने लिया हुआ है जी ऐशा के ऊपर, ये वाला पंखा हमने ना इनके ऊपर दे रहे, ऐसे ऐसे किया हुआ है हमने। ये देखें बहन भाई, आयशा पड़ी हुई है देख रही है। आयशा फातिमा, आयशा फातिमा बेटा कैसी हो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा देख रही है जी, हमारे पास आज दूसरा दिन है बिजली भी नहीं है, कहते हैं ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो पता नहीं लावारिस जैसा पिंड है यहाँ पे कोई ठीक करने वाला भी पता नहीं अभी आया है कि नहीं आया, कल से ना बिजली नहीं है, तो आज तो इतनी मुश्किल से हमने दिन गुजारा है ना। ऐशा की वजह से बड़ी परेशानी थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी इसको छींकें भी लगी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसको। इस टाइम इसके ऊपर पंखा चला देते थे लेकिन अभी तो है ही नहीं, लाइट ही नहीं है, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जो बहन भाई हमारे देश परदेश में देखते हैं रहते हैं, अल्लाह ताला उन पे भी ख़ास करम करे, सलामत रहें खुश रहें आबाद रहें। सलाम कर लो बहन भाई, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक है, हमारी दुआएं हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें बस करें मुस्कुरात रहे, इसलिए एक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं। ये आगाज जो मेरे बहन भाई देश परदेश में देख रहे अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम करें, आमीन। तो आज जो है ना हम लोग कद्दू की सब्जी बना रहे हैं, तो दो दिन से लाइट नहीं है, हालत बुरी हुई पड़ी है, बच्चे भी बड़े ना, ऐशा शाल तो कपड़े उतारे हुए हैं क्योंकि उनको ना कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो वो खेल भी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आज ना टाइम हमारा दिन जो है ना रात को भी नहीं थी लाइट, रात को भी नहीं थी ना, रात को भी कल 2 बजे की लाइट नहीं है, कल 2 बजे की लाइट नहीं है और पूरी रात भी नहीं थी, बच्चों को इतना मच्छर काटे ना, बच्चों ने खुद सोया ना हमें सोने दिया बिल्कुल, और ये मोबाइल की भी ना 50% है बैटरी, तो यही सोच रहा था मैं कि शायद अपलोड के वक्त बैटरी ख़त्म हो जाए, चाचे को भी तंग कर रही है इशार जो है ना। देखो जी चाचे का एक डिब्बा था, उसका सारा जो बीच में सामान था ना नीचे गिरा दिया, चाचा संभाल संभाल के रखता है ऐसी चीज़ें, जैसे ये स्विच वगैरह है, ये धागा है और ऐसे कील वगैरह है जो काम आते हैं घर में ना कहीं चीज़ लगानी पड़ती है, तो ये शाल ने सारे उठा के ना फेंक दिए क्योंकि इनके ना ये डरते भी हैं क्योंकि इनके पाँव में भी ना लग जाए ना, ये जैसे खड़ी और यहाँ पे ये कील पड़े हुए हैं। सामान हम सारा ले आए हैं और अल्लाह पाक हमें कुछ दे भी सही, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, दिन रात मेहनत करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वैसे, हालांकि रोज़ बनाना एक एक से दूसरे दिन भी बनाए वो भी मुश्किल ही होता है वैसे, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन अल्लाह ताला सबको तरक्की दे और अपने घर की रोज़ी दे, हम भी कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी मेहनत का सिला दे तो हमारा भी कोई चीज़ चालू हो जाए ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो अभी इनका भी मूड मुझे लगता है क्योंकि गर्मी ऊपर से और मसला होता है, अमार ने ना अमार तंग कर रहे माँ को भी ना, वो जो क्या कहते हैं उर्दू में इसको, नहीं राख जो है ना उसमें हाथ डाल रहा था अमार, हमारे इधर तो ये चीज़ें हम इधर ले आए, ये बनाना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे आमीन। इनको ना मूडा टाइप बोलते हैं, बैठ के खाना भी खा सकते हैं और चाय वगैरह भी पी सकते हैं, तो इसकी एक की ज़रूरत है, ये ले जाते हैं उधर, तीन रहने देते हैं। ये बैंगन हमारे हो आए थे काफ़ी सारे थे लेकिन इतने इतने छोटे छोटे थे, लेकिन इशाल ने सारे तोड़ दिए, इशाल ने बड़ा तंग किया, ये जैसे फूल हो रहे हैं ना, तो डेली के दूसरे तीसरे दिन ना ये एक लगा हुआ है, ये इशाल की नज़र में आ गया तो तोड़ देना है उसने, तो इससे भी छोटे थे जो सारे ना, इधर भी लगा हुआ है ये गए, जो इशाल को नज़र आते हैं ना तो वो तोड़ लेती है और खेलने लग जाती है,
ये नहीं तो ये हमने इसलिए छोड़े हुए थे इतनी देर से हैं कि हम चलो बैंगन तो तोड़ेंगे यहाँ से, काफ़ी सारे लगे हैं लेकिन शाल ने ख़राब कर दिए। एक ये पौधा है हमारा आम का, तो अक्सर हमने देखे हैं इतने इतने जो पौधे हैं ना, ये तकरीबन है 5 फुट का पौधा है, मेरे से बड़ा है हालांकि, तो इन्होंने फ्रूट वगैरह नहीं दिया, 2 साल हो रहे हैं। एक वो है मैंने दिखाया ये वाला एक, और एक ये वाला है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 8 फुट लंबा है यहाँ तक के ऊपर, लेकिन इन्होंने ना कोई फ्रूट और कुछ फूल शूल नहीं दिए, पता नहीं क्या वजह है। अगर किसी बहन भाई को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना इनका क्या करना चाहिए, नहीं तो इतने तो हमने देखे हैं अक्सर लोगों के होते हैं, वो तो फ्रूट भी देते हैं, तो ये 2 साल के हो गए हैं, इन्होंने कोई फ्रूट श्रूट नहीं दिया, और कद भी बहुत बड़े बड़े वो हो गए इनके ना, और पानी भी लगाते हैं, ये नहीं कि सूखा हुआ है, हरे हरा है। नमक डाल रही हो? त्रोपा मारना है इन्होंने, और ये धागा और सुई, ये सुई ली हुई है, धागा डाल दिए। फट गया ये, हूँ फटे है, पहले तो कौन सी फटे, हूँ फटे अपने आप ना मार दे। बुनाई करनी है? ये क्या करे? ये देख रही हूँ गले नहीं, गले गले तो नहीं सड़ तो गए। क्या करें तो बच्चों के लिए, हमारी कहीं ना कहीं से ना हांडी जल जाती है, थोड़ी है जल्दी। अभी दोनों बच्चों को नहलाया है, नहला के फिर उनको सुलाया है, अभी वो सो गए हैं, तो फिर अभी हमने ना इसके अंदर मसाले डालने के लिए आ गए। मैंने नलका गेड़ा है क्योंकि वो नलका गेड़ना पड़ता है, और इस एक एक और यानी कि एक बच्चों को पकड़ के नहलाया है, एक ने नलका हिलाया है, फिर हुआ है काम। विशाल को मैंने गोदी में ले लिया, मार को इसने लिया, फिर वो सो गए। काम कर रहे थे अभी जब उनको नींद आई तो काम करने नहीं दिया था हमें, नहीं तो एमआर भी इधर आ जाता था, इशाल भी तंग कर रही थी, दोनों रो रहे थे, दिन को सोए नहीं ना, बिजली नहीं थी ना, तो अभी बहन भाइयों को ये भी बता दें हमारी लाइट आ गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने छोटा सा पंखा उनको लगाया है, पंखा लगा के दे दिया, तब सोए नहीं तो इन्होंने सोना ही नहीं था, तंग करना था बहुत ज़्यादा। रात को भी लाइट नहीं थी, फिर सुबह भी लाइट नहीं थी, हम तो समझ रहे थे कि गर्मियाँ चली गई हैं ना, तो पंखा नहीं था, तो फिर बच्चों ने बड़ा तंग किया। अंधेरा हो गया, हमने 2 लाइटें जलाई हुई हैं, एक दूसरे मोबाइल की और एक ये वाली,
तो तैयार हो गए? हो गई। माशाल्लाह, शुक्र है हमारी हांडी तैयार हो गई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, साथ साथ हम हांडी भी बना रहे थे। आटा भी गूंदा है, अभी तंदूर गरम हो रहा है, जला दिया जला हमने, दी। ये तंदूर भी जला दिए साथ, क्योंकि बच्चों की वजह से काफ़ी लेट हो जाती है ना। तो अभी भी चाचे ने अमार को उठाया हुआ है, तो एक बंदा वीडियो बना रहा है, एक अपना काम कर रही है, तो ये 10-15 मिनट लगेंगे इसको जलने में, फिर रोटी लगाएंगे। और काफ़ी अंधेरा भी हो गया और रोटियां भी लग रही, क्योंकि अमार काफ़ी रो रहा था, उसको दोबारा फिर सुलाना पड़ गया। तंदूर, एक रोटी पक गई है माशाल्लाह, रोटी एक पक गई है, दो लगी हुई हैं बीच में, क्योंकि दोबारा फिर हमने जलाया इसको, दोबारा फिर गर्म किया, क्योंकि जब इसकी बन गया था रोटी लगाने का प्रोग्राम, उस टाइम अमार रोने लग गया, फिर उसको सुलाया दोबारा। आज बड़ा तंग किया इन्होंने वैसे, क्योंकि दिन को अगर सो जाए ना तो फिर खैर है, फिर इस टाइम खेलते रहते हैं। ये दो तीन रह गई रोटियां, और तकरीबन ये तीसरी रोटी बीच में लग गई है, दो रोटियां वो पक गई हैं माशाल्लाह। ऐसे उल्टा करके रखेंगे ताकि ये सही तरह पक जाए। रोटी अल्हम्दुलिल्लाह जी पक गई है साड़ी, रोटी बन गई है, अब दो छाबों में कर देंगे। चटनी भी बनाई है असं जी, चटनी भी बना ली हमने, वो ये जो पड़ी है ना, माधरत जी हमारे से ना बर्तन नीचे गिर गया था, ये चटनी भी बनाई है हमने, न्याज बो टमाटर प्याज लहसुन वगैरह की, बड़ी मज़े की बनती है वैसे, बनानी तो दिन को चाहिए थी लेकिन हमने रात को बना ली वैसे। बुजुर्गों का सालन डाल लेते हैं, दे देते हैं। यहाँ से पानी लिया जी, ये इसमें ठंडा रहता है ना, पानी भी साथ कर लिया, और खाना शुरू करते हैं, जिस बहन भाई ने खाना है खा सकता है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला सबको सदा सलामत रखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह हाफिज़।